गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू अपना टीचिंग चैनल। फ्रेंड, आपका स्वागत है लुप्त संख्या ज्ञात करना पार्ट टू में। पार्ट वन मैं पहले समझा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसमें बताया गया है कि इस लुप्त संख्या को किस तरह ज्ञात करना होता है। और फ्रेंड, टेंशन मत लो कि इसमें मैं आपको दोबारा से बता दूंगा कि लुप्त संख्या क्या होती है, किस तरह ज्ञात करना होता है। हमसे पूछा जाता है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना। तो फ्रेंड, लुप्त संख्या वह होती है, आकृति दी हो गई जैसे कि इसमें त्रिभुज है, हर किसी में अलग अलग होती है। तो और लुप्त संख्या वो होती है जहां आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिल जाए, जैसे कि इसमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हमसे ये ज्ञात करने के लिए बोला गया है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब है कि ये ज्ञात करना है हमें, और इनको किस तरह ज्ञात किया जाता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इनके बीच में जो संबंध होता है, इनके और इनके बीच में संबंध होता है, उसी संबंध के आधार पर इनको भरना होता है। जैसे कि इनमें जो भी संबंध बन रहा है, जैसे कुछ भी, वही संबंध दोनों में एक जैसे संबंध बनना चाहिए, वही संबंध इसमें बनना चाहिए, तो उसी संबंध के आधार पर इसको भरते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इसमें बन रहा है पांच और ये पांच, पांच प्लस पांच होते हैं दोस्तों दस। इसी तरह दो प्लस आठ, दो प्लस आठ होते हैं दस। तो इसमें क्या संबंध बन रहा है, इसमें संबंध बन रहा है कि ऊपर और ये बीच वाली संख्या को जोड़ने पर और इन नीचे दोनों संख्या को जोड़ने पर बराबर संख्या आती है। जैसे कि पांच प्लस पांच करने पर दस आए, दो प्लस आठ करने पर दस आए, तो ऊपर और बीच वाली संख्या को जोड़ने पर दस आए और नीचे नीचे वाली संख्या को जोड़ने पर दस आए, दोनों बराबर संख्या है दस। इसी तरह दोस्त इसमें है तीन प्लस सात, तीन प्लस सात होते हैं दस। इसी तरह नीचे वाली संख्या को जोड़ने पर छह प्लस चार होते हैं दस। तो दोस्तों, इसमें हमें क्या पता चला है कि इसमें क्या संबंध बन रहा है, इसमें संबंध बन रहा है कि पांच प्लस पांच ऊपर वाली संख्या और बीच वाली संख्या को जोड़ने पर, नीचे वाली दोनों संख्या को जोड़ने पर दोनों बराबर होते हैं, इसमें भी हमें यही मालूम हो रहा है। तो इसी तरह दोस्तों इसको करना है, नीचे वाली संख्या को जोड़ते हैं, नौ प्लस नौ अठारह होते हैं, और ऊपर दिए हुए हमें छह, छह में कितना जोड़ें जो अठारह हो जाए, बारह जोड़ेंगे तो अठारह हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा, बारह, यहां आएगा बारह, तो सी ऑप्शन अपना सही होगा। बारह करने पर छह प्लस बारह ये होते हैं अठारह, और नौ प्लस नौ, नौ प्लस नौ करने पर ये होते हैं अठारह। तो ये संबंध और वही संबंध इसमें था, वही संबंध इसमें है, और वही संबंध इसमें आ रहा है। दोस्तों इसको इस तरह हल करना है हमें। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों ये है, इसमें भी यही पूछा गया है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ये पूछा जाता है। तो फ्रेंड, इसमें क्या करना है, वही करना है अपन को, जो इनके बीच संबंध बन रहा है उसी संबंध के आधार पर अपन को ये प्रश्नवाचक चिन्ह को भरना है। यहाँ पूछा गया है कि इसको भरना है, इसको ज्ञात करना है, लुप्त संख्या यह है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वह लुप्त संख्या होती है। तो फ्रेंड, इसमें क्या संबंध बन रहा है वो देखते हैं। इसमें संबंध बन रहा है कि जो यहाँ चार है उसका इसमें भाग करने पर, डिवाइड करने पर जो संख्या आती है उसको नौ से गुणा करने पर बीच वाली संख्या आ जाती है। जैसे कि यहाँ सोलह है, सोलह में ये नीचे वाली संख्या का भाग देने पर चार आएंगे, चार चौक सोलह, चार एकम चार, चार चौक सोलह, चार आते हैं, उसको नौ से गुणा करना है, नौ से गुणा करते हैं, नौ चौक छत्तीस। इसी तरह दोस्त इसको करना है, आठ को इससे, आठ इसमें आठ का भाग लगाना है, जैसे कि यह अड़तालीस है, अड़तालीस में नीचे वाली संख्या को डिवाइड करना है, भाग देना है, आठ में अड़तालीस का भाग जाता है छः बार, छः आई, फिर यहाँ जो संख्या है उसको इससे गुणा करना है, नौ छिक्की चौवन,
जो कि हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 54 है, और हमने ऐसे करने पर यहाँ 36 आए तो यहाँ भी 36 है। तो हमें पता चल गया है इसमें क्या संबंध है, इसमें संबंध बन रहा है कि जो ये संख्या है उसमें इसका भाग देने पर जो संख्या आ रही है उसको 9 से इधर वाली संख्या से गुणा करने पर बीच वाली संख्या आ रही है। इसी तरह इसमें किया गया है, 48 में 8 का भाग लगाने पर जो संख्या आई उसको 9 से गुणा कर दिया, 54 आए। इसी तरह दोस्तों इसमें करना है, इसमें भी इसी तरह करना है दोस्तों। अब देखो कि इसमें 72 है, 72 में 6 का भाग लगाएंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 बार गया, 12 छक्की 72। और अब इसको 12 को वही 8 से गुणा करना है, 12 8 96, जो कि अपना ए आंसर है, ए ऑप्शन का आंसर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी आधार पे हमें इसको करना है। फ्रेंड अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबाएं और घंटे को भी जरूर दबाएं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, वो इनके आधार पर इनको भरना होता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह को भरना है, और इनको किस आधार पर, इनके आधार पर ये भरना होता है। जैसे कि अब इसमें हम इनको गुणा करते हैं तो 6 नहीं आते बीच में, जैसे कि गुणा करेंगे 12 आएंगे 12 का, फिर ये 5 है, इसको किस तरह करेंगे नहीं हो पा रहा, इसको इनको गुणा कर रहे हैं या स्क्वायर कर रहे हैं नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड इसमें स्क्वायर करने पर भी कुछ संबंध नहीं, इसमें संबंध बन रहा है। जैसे कि हमें ये नहीं है कि दो संख्या का लेकर के इसको कर दिया या इनको लेकर के कोई एक छोड़ दिया, ऐसे कुछ नहीं करना। जैसे जो संख्या दी गई है उसका कोई ना कोई तालमेल जरूर है, इसलिए कोई संख्या दी गई है। तो इसमें क्या करना है कि इस नीचे वाली संख्या को गुना करते हैं, इसमें 4 गुना में 5 20 आ रहे हैं, तो 20 को 10 से डिवाइड करते हैं, जैसे कि 2 आता है। अब ये 2 को ये ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, ये 3 दूनी 6 हो गए, जो कि हमारा बीच में है। कैसे किया दोस्तों, इन दोनों को गुणा किया, 20 आए, 20 को 10 से भाग देंगे और फिर 2 बर जाएगा, भाग करने पर 2 आते हैं, 2 को जो आया है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, वो हमारी बीच वाली संख्या आ जाएगी। इसी तरह दोस्तों इस वाले में है, इस नीचे वाली संख्या को गुणा करना है, इसमें है 5 गुणा 6, 5 संगत 30, 30 को 10 से भाग करना है, 3 बार जाता है, और ऊपर वाली जो संख्या है उसको उससे गुणा करना है, 3 चौक 12, जो हमारे बीच की संख्या आ गई है। इसी तरह दोस्तों इसको करना है, 5 गुणा 2 10, अब 10 में 10 का भाग देते हैं तो 1 बार जाता है, तो 1 आया, इसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे 7 से, 7 एकम 7, तो इसका आंसर होगा 7, डी वाला ऑप्शन अपना सही होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों ये है, अब इसमें क्या करना है, इसमें भी वही, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होता है उसका संबंध जो इन जो बच रही है ऊपर वाली संख्या, जैसे कि ऊपर वाली संख्या इसमें, तो और इनके आधार पर इनको भरना होता है। अधिकांश क्वेश्चन में 99 क्वेश्चन में ऐसे होता है। इसमें देख लो दोस्तों, जैसे इसमें पूछा गया था तो जो भार वाली संख्या बच रही है इनका जो संबंध बना करके इसमें भरा गया था। इसी तरह दोस्तों इसमें होता है, इन्हीं में होता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो कि प्रश्नवाचक जो चिन्ह दिया गया है जो कि इनके ऊपर की होती है, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ दिया हुआ होता तो इसका मतलब है कि ये जो दो संख्या है और ये संख्या है इनका कोई संबंध बन के बीच वाली संख्या आ रही है। अगर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होता तो इनका इनका कोई संबंध बन के यहाँ आ रही है। अब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ दिया गया है तो इसका मतलब है कि इनका कोई संबंध बन के यहाँ संख्या आ रही है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें है इन दो संख्या को, ऊपर वाली संख्या को और एक छोड़कर नीचे वाली संख्या को, इनको गुणा करने पर 5 गुणा 9 = 45, और जो बीच वाली संख्या बची है इसको आगे लिखना है, जैसे 345 हो गए जो नीचे हमारे 345। इसी तरह दोस्तों इसमें है 6, एक संख्या छोड़ के नीचे वाली संख्या को 10 से गुणा कर दिया, यहां आगे 60,
और सेट में ये चार है इसको आगे लिख दिया 460, जो कि देख सकते हैं दोस्तों ये है। इसी तरह दोस्तों इसमें देख लेना है जो संबंध बन रहा है यानी यहाँ 8 है एक संख्या छोड़ करके और नीचे 12 है इसको लिख देते हैं। अब 12 2 96 और यहाँ क्या है 6 है, यहाँ 6 लिख दिए 696 हो गए। तो 696 ये आ रहा है 12 2 96 ये 96 आ गए, यहाँ 6 था ये 6 लिख दिया। इसी तरह दोस्तों इसमें करना है 7 को 11 से गुना करना है, इससे एक छोड़ करके 11 7 77 होते हैं और जो 5 है उसको आगे लिखना है तो यहाँ आ जाएगा 577 577, जो अपना डी ऑप्शन है वो सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी मैंने बताया कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ दिया होता है उसका संबंध या तो यहाँ दिया हुआ है इसमें या तो संबंध इनके ऊपर है या जो भार वाली संख्या जो ये बच रही है या तो इनके ऊपर संबंध है या इन दोनों के ऊपर संबंध बन रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि 11 6 या 8 आ रहे हैं तो यहाँ तो ऐसा कुछ संबंध दिख नहीं रहा। तो दोस्तों इसमें संबंध बन रहा है कि जो ये संख्या है यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है तो इसका संबंध इनसे बनेगा, ये जो संख्या बच रही है इनसे। तो इसमें क्या संबंध है कि इसमें संबंध है कि यहाँ 25 है, 25 में नीचे वाली संख्या को घटाने पर जो आता है ये 25 में से 19 घटाएंगे 6 आएंगे और इस 6 को ऊपर वाली संख्या में जोड़ना है, ऊपर वाली संख्या 11 है, 11 में जोड़ने पर 17 हो रहे हैं जो कि अपना 17 है। दोस्तों यह है कोई आसान बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों यहाँ जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ दिया हुआ है तो हमें इनके ऊपर देखना है कि क्या संबंध बन रहा है या इनके ऊपर देखना है जो इधर संख्या बची हुई है इनमें क्या संबंध बन रहा है। इनमें नहीं बन रहा है तो ऐसे होगा कि इनके अंदर बन रहा होगा। तो दोस्तों इसी तरह अब अगला है, यहाँ 34 है, 34 में 28 घटाएंगे तो आएंगे 6 और 6 में प्लस करेंगे ये 6 6 प्लस 6 12 होते हैं जो कि हमारा 12 आ रहे हैं। इसी तरह दोस्तों इसमें करना है, यहाँ 19 है, 19 में 11 घटा देंगे तो कितना आएगा 8 आएगा और ऊपर यहाँ 8 है प्लस 8 कर देंगे, 8 प्लस 8 कितना होता है 16 होता है। दोस्तों यहाँ आ जाएंगे 16 जो कि अपना सी ऑप्शन सही है। दोस्तों इसी तरह कोई संबंध बनना चाहिए, जो संबंध बनेगा वही इसका आंसर होगा, हो सकता है और दूसरा संबंध बन रहा हो तो वो संबंध अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो वो संबंध सही है, अगर नहीं बन वो ऑप्शन में नहीं मिल रहा है और जो संबंध बन रहा है तो वो अपना ठीक नहीं है, हमें दूसरा संबंध बैठा के देखना है। कई क्वेश्चन होते हैं उसमें दो दो तीन तीन संबंध बने हुए होते हैं, जैसे कि इसमें हम अब बोल सकता हूँ कि हमने इसको ऐसे करके लेस किया था 25 में से 19 घटाए थे और फिर जो आया था उसको इसमें जोड़े थे, या हम इसमें अब कर सकते हैं या इसमें जैसे कि हम ऐसे कर सकते हैं कि 17 में से 11 घटाते हैं तो 17 में से 11 घटाते हैं 6 आते हैं और इस 6 को 25 में से घटाने पर नीचे वाली संख्या आ जाती है 19। इसी तरह दोस्तों इसमें करना है कि 12 में से 6 घटाने पर 6 आते हैं और इस 34 में से 6 घटाने पर 34 में से 6 घटाने पर हमारे आ जाएंगे 28 28। इस तरह दोस्तों इसमें कि इसमें कितना घटाया जाए कि इनके अंदर इसमें से घटाने पर 11 आ जाए, तो इसमें ऐसा करना है कि जैसे यहाँ 8 है तो यह क्या घटाया जाए कि यहाँ 11 आ जाए, तो 19 में से 8 घटाएंगे तो 11 आते हैं तो यहाँ 8 हो जाएगा, तो इस तरह हो जाएगा। सॉरी दोस्तों यहाँ 16 होगा, जैसे ही यहाँ 16 होगा 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा, जो 8 बचेगा उस बचेंगे उसको 19 में से घटा देंगे 11 आ जाएगा। इस तरह दोस्तों कोई भी संबंध बन सकता है, इसमें वही संबंध बन के वही आंसर आ रहा है 16, तो इसका आंसर 16 होगा। अगर दूसरा संबंध बन रहा है और उसका ऑप्शन हमारे इसके अंदर आ रहा है तो वह ऑप्शन अपना सही होगा, उसी तरह हमें हल करना है। अगर वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ देना है, दूसरा तरीका लगा के देखना है।
अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसमें भी कोई संबंध अलग बन सकता है, जैसे इसमें संबंध बन रहा है कि इन इन दोनों को जोड़ने पर और बीच वाली संख्या से गुणा करने पर 20 आ रहे हैं, जैसे कि 3+2 कर दिया, इसको जोड़ने पर 5 हो गए और बीच वाली संख्या से गुणा करने पर 20 हो गए, 5 × 20 हो गए। इसी तरह दोस्तों इसमें 6+1 7 हो जाते हैं, 7 को बीच वाली संख्या 5 से गुणा करने पर 35 आ रहे हैं, जो 35 यहाँ है ये 20 वाला, ये 20 यहाँ है। इसी तरह दोस्तों इसमें हो जाएगा 8+2 ये हो जाते हैं 10, 10 को 6 से गुणा करने पर 60 हो जाते हैं, जो हमारा ये है। या इसमें एक मेथड और बन रहा है जो ये है। अगला ये बन सकता है, इसमें इस वाले में क्या था कि इन दोनों को जोड़ने पर और बीच वाली संख्या से गुणा करने पर 35 आ रहे, इन दोनों को जोड़ने पर बीच वाली संख्या से गुणा करने पर 20 आ रहे, इन दोनों को जोड़ने पर इनसे गुणा करने पर 60 आ रहे। और अगला हो सकता है हम इस तरह सोचे कि इन दोनों को गुणा करने पर 3 × 4 करने पर 3 × 12 हो रहे हैं, और इन दोनों को गुणा करने पर 4 × 2 = 8 हो रहे हैं, और इनको जोड़ने पर 20 हो रहे हैं, जो हमारा बीच वाला है। या इसी तरह इसको कर सकते हैं, 5 × 1 = 5 × 1 = 1 होता है, और फिर इसको 5 × 6 = 5 × 6 = 5 × 30 होता है, और इनको जोड़ दो 5 और 30 = 35 हो रहा है, ये 35 हो गए। इसी तरह दोस्तों इसमें कर सकते हैं, 8 × 6 = 8 × 6 = 8 × 48 + 6 × 2 करने पर 6 × 12 12 जोड़ते हैं तो 60 आ जाता है, तो हमारा ऑप्शन होगा 60 सही, जो हमारा बी ऑप्शन है। तो इस तरह दोस्तों इसको करते रहना है, दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों शायद कि 8 × 6 = 48 हो रहे हैं, और 6 × 2 करने पर 12 हो रहे हैं, इनको जोड़ने पर 20 आ रहे हैं। इसी तरह दोस्तों इसमें किया गया है, 5 × 1 करने पर 5 × 5 = 5 × 5 = 30 इनको जोड़ने पर 35 हो गए। तो दोस्तों को संबंध बनना चाहिए जो सभी में हो, उसको उसी तरह हल करना है, हमको उसके आधार पर हल करना है दोस्त। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब इसमें क्या है कि इसका अंतर जो आ रहा है, जैसे कि इसके अंदर अंतर है 9 और 12 के अंदर है 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, तो यहाँ 18 में से 12 घटाने पर यहाँ 6 आ रहा है। तो इसी तरह दोस्तों हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि 3 का डबल हुआ है, तो यहाँ हो सकता है 6 का डबल हो, 12 हो जाए। तो दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं, अब इसमें बैठा कर देखते हैं, यहाँ इसमें 9 में 3 जोड़ने पर 12 आए, अब जो 3 जोड़े थे, जैसे कि दोस्तों पूरा बता रहा हूँ कि 9 में 3 जोड़ने पर 12 आ गए, अब फिर 12 आए उसमें 6 जोड़ दिया, 6 जोड़ने पर 18 हो गए, अब 18 में 12 जोड़ने पर, जैसे 3 है 3 का दुगना किया 6 हो गए, 6 का दुगना 12, अब 18 में 12 जोड़ने पर ये होते हैं 30, अब यहाँ 30 हो गया, अब 12 का दुगना करेंगे, 12 का दुगना करने पर 12 दुनी होता है 24 जोड़ेंगे ये 54 हो जाएगा, जो कि हमारा बैठ रहा है, देख सकते हो दोस्तों, 9 हो रहा है यहाँ 12 था, 12 हो रहा है यहाँ 18 है, यहाँ 18 हो रहा है यहाँ 30, यहाँ 30 हो सकता है, यहाँ 54 है यहाँ 54। अब दोस्त क्या है इसमें, अब अगला क्या है 54 में यहाँ 24 का दुगना होगा 54 में 48 जोड़ेंगे तो ये 102 आ जाएगा, जो कि अपना ये है। तो हमें पता चल रहा है कि इसमें इसके बीच में अंतर 3 का है, फिर 3 का जो अंतर है उसको डबल करके इसमें जोड़ दिया गया है, यहाँ 9 में 3 जोड़ा गया, 12 में 6 जोड़ गया, 18 में 12 जोड़ा गया 30 हो गया, जो अपना ऑप्शन सी सही है। अब 30 में 12 का दुगना जो अंतर आ रहा है उसका दुगना 24 जोड़ेंगे तो 54 हो गया, 54 में 48 जोड़ेंगे तो 102 हो गया, तो इसमें हमें संबंध पता चल गया। तो इसी तरह दोस्तों यह अपना सही है,
इसमें सारे संबंध बैठ रहे हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप अभी तक मेरे चैनल इसको शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि यह किस तरह की वीडियो है। आपको दोस्त मैं वादा कर रहा हूँ कि रीजनिंग और मैथ की इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आप सब्सक्राइब करते नहीं हो, हमारे चैनल शेयर नहीं कर रहे। मैथ और रीजनिंग कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा आपको, खुद इतने वो हो जाओगे टैलेंटेड कि आप खुद दूसरों को पढ़ाने लग जाओगे। थैंक यू टू वॉच, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।